Some of the metals, like you know, sodium and potassium, they are reacting with the oxygen so fast, obviously, when you will just place them outside the kerosene oil. Okay? So you can write the reaction sodium plus oxygen will give you sodium oxide. Balance it. Hurry up. Potassium plus oxygen give you potassium oxide. It ऐसे ही react कर जाते हैं without heating, without anything. आपने kerosene oil से बाहर निकाला और ये oxygen के साथ react करी और इसकी oxide बन गई. Balancing आप खुद करोगे. एंड फॉर्मूला कभी भी सहज चेंज नहीं होता किसी भी कंपाउंड का. ठीक है, ये नहीं कि अगर Na2 यहाँ पे है तो यहाँ पे 2 लगा दोगे तो इक्वेशन इज बैलेंस्ड. आप कभी भी फॉर्मूला या एलिमेंट्री स्टेट किसी भी कंपाउंड की चेंज नहीं कर सकते. जो भी ऐड करना है वो आपने आगे करना है. ठीक है, दैट इज द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन. And these are the elementary states. What are the elementary states in which an element exists? Like oxygen exists as O2, sodium exists as Na. You will never ever write Na2, your O2. Getting my point? Like if we want to react magnesium plus oxygen, this is the first section in chapter 1, that is chemical equations, hai na? फर्स्ट एक्टिविटी यही करते हो कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एंड यू विल बर्न एंड यू विल गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम और व्हाइट कलर का पाउडर मिलता था तो हमें हीट करना पड़ता है इनको. ये विदाउट हीट रिएक्शन नहीं, ये बहुत जल्दी. दीज आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव मेटल्स. दिस इज समवट लेस रिएक्टिव. ठीक है, डिपेंडिंग कितना इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, कितनी जल्दी कोई इलेक्ट्रॉन दे देता है उतनी जल्दी वो रिएक्ट कर जाता है. तो ये फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करते हैं, ये जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और ये लेट. क्यों, हम बाद में करेंगे +1. हाँ बना दो, दैट इज हीट, यू आर हीटिंग. ठीक है, यू कैन राइट हीट और यू कैन फॉर्म अ डेल्टा ओवर इट, दैट इज अ थर्मल रिएक्शन. ठीक, गेटिंग माय पॉइंट. सो एवरी मेटल विल सर्टेनली रिएक्ट विद ऑक्सीजन. नोबल मेटल्स होते हैं कहीं नहीं रिएक्ट करते, अदरवाइज मेटल जनरली रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द कोरस्पोंडिंग ऑक्साइड्स. रिएक्ट एल्युमिनियम को रिएक्ट करो, हरी अप. रिएक्ट एल्युमिनियम विद ऑक्सीजन, हरी अप. ऑक्सीजन, so you must got aluminium plus oxygen. The formula is by heating again with the prolonged heating, as it is not reactive. This must be your formula. Aluminium has a valency of 3 positive. Okay, react iron with oxygen, hurry up. Says react it. Reaction sirf jo book mein given hai wo nahi aati. तो गाइड बंद कर लिख. Fe3O4 यू विल राइट. दिस इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड विच कंसिस्ट ऑफ +2 एंड +4 दोनों स्टेट्स. ठीक है, इट इज फेरस एंड फेरिक बोथ. This is a compound which is having both the states, that is ferrous and ferric. In the stoichiometric ratio, it is again of class 12. आप यही समझो कि जब आप heat करते हो तो आपको mix oxide मिलती है. ठीक है, likewise you have done one of the reaction in first chapter also. जब आप copper को oxygen से react करते थे, याद करो. And वो आपका MCQ में भी question आया था. तो react करो copper plus oxygen. अरे आप कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो
ऑल दिस रिएक्शन इज बीइंग हीटेड अप, क्योंकि ये सारे ज्यादा रिएक्टिव नहीं है. जो रिएक्टिव थे वो सोडियम और पोटेशियम थे, जिसको हमको हीट देने की कोई जरूरत नहीं पड़ी थी. मगर बाकी जितने भी मेटल्स हैं, क्योंकि वो इतनी रिएक्टिव नहीं है, तो विल डू हीटिंग. अदरवाइज आयरन की ऑक्साइड बनने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा अगर रस्टिंग करवाएंगे तो. अगर हमने फटाफट से करवाना है काम, तो हमें हीटिंग करनी पड़ेगी, एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज करनी पड़ेगी. ठीक है, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ एक्ट करो. अरे आप क्या वो HgS क्या बनेगा? Hg2S, मर्क्यूरियस ऑक्साइड Hg2S. तो सल्फाइड पे कहाँ पहुंच गया मर्क्यूरियस सल्फाइड पे? करम ऑक्साइड रहे हैं. ट्यूशन पे करके आया है. Change the attitude better now. Cuprous oxide. This is write down. Hurry up. Kya bana aapka? You have done in previous chapter also. Hurry up. Cu2O bana hai ya CuO bana hai pehle bhi? Cu aur Cu2O mein kya farak hai? Quiet. Result will be this oxide. What is the difference between this and this? Bete, one is cuprous, one is cupric. When CuO likhte ho, to it is cupric oxide it is forming. Copper is in plus 2 oxidation state, and when you are writing Cu2O, that is cuprous oxide. That means copper is in plus positive 1 oxidation state or valency, whatever. ठीक है, समझ आ रही है? तो बनता आपका cupric oxide है. Copper की जो oxidation state, stable oxidation state है, वो plus 2 है. जैसे copper sulfate लिखते हो, वहाँ पे भी plus 2 है ये. ठीक है, प्लस वन ये शो करती है जब इसको वाटर में डाला जाता है. ठीक, अदरवाइज इट इज शोइंग मोस्टली प्लस टू ओनली. तो आपने रिएक्शन भी करी थी कि कॉपर जो रेडिश ब्राउन कलर का है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ब्लैक कलर का जो ऑक्साइड बना रहा है, दैट इज क्यूप्रिक ऑक्साइड. ठीक है बेटे, तो ये सारी ऑक्साइड मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो दे आर गिविंग यू सर्टेन ऑक्साइड्स. Depending they are more reactive, they will react without heating, or they are less reactive, you have to heat. Okay, now what are the properties of these oxides? Some of the oxides will be soluble in water, they will be reacting with water to form hydroxide. And some of the most of the oxides, metal ki jo oxides hoti hain. Akshat kis class ka hai? ठीक है बेटे, क्यूप्रिक ही बनेगी. कॉपर की दो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, कॉपर टू पॉजिटिव, कॉपर वन पॉजिटिव. जो टू पॉजिटिव है वो ज्यादा स्टेबल होती है. कॉपर वन पॉजिटिव तब बनती है जब इसको आप वाटर में डालते हो. इट विल गो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन विल बी डूइंग इन हायर स्टैंडर्ड. ठीक है, अब बात करें इन ऑक्साइड्स का नेचर की. तो जनरली ये ऑक्साइड क्या होती है बेटे? बेसिक इन नेचर. मेटल की ऑक्साइड बेसिक. कभी भी आपने नॉन मेटल का कभी एसिड नहीं देखा होगा. देखा कभी? सॉरी, मेटल का कभी एसिड नहीं देखा होगा. जो सोडियम हाइड्रोक्साइड हम बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कभी इसका एसिड सुना है आपने? ठीक है, जो हमारे अगर हम उस तरफ चले जाएं नॉन मेटल की तरफ, उनके कभी बेस नहीं सुनते हैं हम, उनके एसिड सुनते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड. उसमें भी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है. अगर सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला देखोगे,
तो उसमें भी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा है, मगर जब सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइड्रोजन निकलेगा तो वो एच पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर आएगा, ठीक है। मगर जब NaOH के साथ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगता है, वो OH की फॉर्म में ही बाहर आता है, तभी कहते हैं वो बेसिड है। ये नहीं कि उसमें नहीं OH है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप एसिडिक एसिड ही बनाते हो, देखो एसिडिक एसिड कैसे बनाते हो, ये तो मैं सिंपल इसकी एग्जाम्पल ले रही हूँ, ये एसिडिक एसिड है। तो आप एच प्लस निकालते हो, आपने OH निकाला है, तभी हम इस एसिड बोलते हैं, चाहे इसमें OH ग्रुप है। अगर मैं आपको सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला लिख के दिखाऊं, तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला कुछ इस वे में होता है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड में बेटे OH कभी नहीं निकलता, और ये NTSC वालों के बहुत जरूरी है फॉर्मूले करने, तभी आप किसी की बेसिसिटी या एसिडिटी बताओगे। तो ये OH की फॉर्म में कभी नहीं निकलता, ये एच पॉजिटिव की फॉर्म में निकलता है, मगर यही जब हम NaOH लिखते हैं तो ये OH ऐसे निकलता है, ठीक है। क्योंकि विल डू आयोनाइजेशन इन थैलेसीन, आई विल एक्सप्लेन यू दिस, ओके। तो उनकी यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज इजली हो जाती है, सोडियम जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे देते, सल्फर इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ऑक्सीजन को सल्फर इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, बॉन्ड की यहाँ से क्लीवेज नहीं होगी, यहाँ से होती है क्या बेटे। फ्री टाइम में समझाऊंगी, करेंगे कोवलेंट भी करेंगे, आयनिक भी करेंगे, सीराम, हम सब कुछ करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। इसी चैप्टर में आयनिक बॉन्ड है बेटे, और नेक्स्ट चैप्टर में आपका कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तब हम कोवलेंट बॉन्ड स्टडी करेंगे, इस चैप्टर में हम आयनिक बॉन्ड कर लेंगे, ठीक है। अभी आप ये समझो कि जो ऑक्साइड्स होती हैं मेटल की, वो जनरली क्या होती हैं, बेसिक होती हैं, ठीक है। दे आर जनरली बेसिक, तो जब इनको एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, दे विल सर्टनली गिव अस सॉल्ट प्लस वाटर। बेस क्या करता है एसिड के साथ, दे गिव सॉल्ट प्लस वाटर, इजंट इट, वी हैव डन इन प्रीवियस चैप्टर आल्सो। मगर कुछ ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होती हैं, जैसे कि एल्युमिनियम की ऑक्साइड या जिंक की ऑक्साइड, ठीक है। जब इनको एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, मतलब दे एसिडिक ग्रुप भी दिखाते हैं और बेसिक भी दिखाते हैं, डिपेंडिंग उनके पास स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस आए। ये नहीं कोई मर्जी एसिड आ जाएगा तो वो बेसिक नेचर शो करेगी, या कोई मर्जी बेस आ जाएगा तो वो एसिड नेचर शो करेगी। तो राइट डाउन व्हाट इज द नेचर ऑफ द ऑक्साइड, दे आर जनरली बेसिक इन नेचर, दे आर जनरली बेसिक इन नेचर, हाँ, दे आर जनरली बेसिक इन नेचर। लाइक इफ आई पुट सोडियम ऑक्साइड इन वॉटर, आई विल गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड। इफ आई पुट मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वॉटर, आई विल गेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनी है लैब में, आपने डेजलिंग व्हाइट फ्लेम आई है, उसमें पानी डाल दोगे और लिटमस पेपर लेके आओगे, तो अगर ये बेसिक है तो ये रेड लिटमस को ब्लू करेगी, ठीक है। इट विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। एज मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, इट विल सर्टेनली रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड और एनी अदर एसिड। इफ आई विल टेक मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड इफ आई विल रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, आई विल गेट सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक। एनी ऑक्साइड जो बेटे बेसिक नेचर की है, देखो ध्यान से समझो आप ये बात, चाहे आपके पास बेस आ जाए, चाहे आपको मेटल की ऑक्साइड मिल जाए, ये दोनों ही सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगे, चाहे बेस है। जैसे अगर मैं यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखूं, तब भी आपका आंसर यही होगा,
अगर मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखूंगी तब भी यही आंसर होगा, समझ आ रही है? मगर अकेला अगर मैग्नीशियम लिख दूंगी तो यहां पे अकेला H2O है, चाहे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, राइट डाउन ये लिख के रख लो, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल ऑक्साइड, दे बोथ गिव सॉल्ट एंड वाटर, बट मेटल शुड बी अबव इन द रिएक्टिविटी सीरीज देन हाइड्रोजन, मेटल शुड अबव इन द रिएक्टिविटी सीरीज देन हाइड्रोजन, देन ओनली ये रिएक्शन होगी। ठीक है, इफ देयर इज इफ यू आर एक्टिंग मेटल विद एन एसिड, मेटल विद एन एसिड, देन यू विल गेट सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये जो ऊपर पॉइंट लिखे ना, मेटल शुड बी, ये नीचे वाले में ऐड करो, ऊपर वाले में मत ऐड करो, नीचे वाले में ऐड करो कि मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस व्हेन मेटल इज अबव इन द रिएक्टिविटी सीरीज देन हाइड्रोजन। समझ आ रही है? दोनों केस में आपको सॉल्ट मिलना ही मिलना है, मगर जब ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होती हैं तब आपको वाटर मिलता है, और अकेला जब मेटल होता है तब आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है। और ये तभी मिलेगी हाइड्रोजन गैस जब आपका मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होगा एज हाइड्रोजन से, जैसे कि हम कहते हैं कि कॉपर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, कॉपर क्या है, हाइड्रोजन से नीचे पड़ा है। जो चीज रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे पड़ी है वो कभी भी वो वाला मेटल एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। हाँ, होगी डिस्प्लेसमेंट जब वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, कॉपर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, डाइल्यूट के साथ नहीं। वो भी जो हमारे हमें प्रोडक्ट्स मिलने चाहिए वो नहीं देता, गैसेस देता है, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह विल डू फर्दर। समझ आ रही है? मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड विद एसिड दे विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर, मेटल विद एसिड गिव यू सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, बट द कंडीशन इज दिस, द मेटल शुड बी अबव इन द रिएक्टिविटी सीरीज देन एसिड। समझ आई? बट सर्टेन मेटल्स विच आर एम्फोटेरिक इन नेचर, और द ऑक्साइड विच आर एम्फोटेरिक इन नेचर, दे विल बोथ रिएक्ट विद एन एसिड एंड अ बेस। राइट डाउन द रिएक्शन बेटे ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड विद एन एसिड एंड अ बेस। किसका एक्सपेरिमेंट दिखा दूं? बचपन से करते आ रहे हो, मैग्नीशियम को कितनी बार मैंने हीट करके दिखाया है, वो भी दिखा देंगे, हाइड्रोजन गैस आएगी, विल डू ऑल द थिंग्स वी आर विल बी डूइंग, यू हैव अ प्रैक्टिकल फाइल, वी विल बी गोइंग टू द प्रैक्टिकल लैब एंड आई विल शो यू। आएगी बारी, Term 1 will be finishing till November. The syllabus will be finished before the exam in September. In October, we are free to do the activities. Why? क्यों खत्म हो जाएंगे नवंबर में एग्जाम आने? आप क्यों नहीं बंद करवाते रहो? तो write down बेटे, aluminium oxide and zinc oxide. We have aluminium oxide and you are reacting with HCl, and aluminium oxide you are reacting with the base, you will get aluminium chloride and water. Okay.
मैंने गरम नहीं किया, मैं गरम नहीं किया। नेक्स्ट चीज बेटे सोडियम एल्यूमिनेट एंड वाटर एंड द बैलेंसिंग यू विल डू योर सेल्फ। दिस इज योर होमवर्क टू एवरीवन टू डू बैलेंसिंग। हर इक्वेशन की बैलेंसिंग सीखोगे तभी बैलेंसिंग आएगी, ठीक है। अब आज वैसे जिंक ऑक्साइड प्लस HCl डेफिनेटली यू विल गेट जिंक क्लोराइड प्लस वाटर। एंड विद NaOH यू विल बी गेटिंग सोडियम जिंकेट। These are the two reaction of the amphoteric oxides in which the oxides are being reacted both with an acid and a base. But it will be positive only. उसमें bond linkage के हिसाब से है, कॉम्प्लेक्स बनेगा OH। बेटे हम ये लिखते हैं ऑक्सीजन 2 है, इन द हाईएस्ट स्टैंडर्ड यू विल राइट AlOH दिस रिएक्शन। तो इट विल बी AlOH विद सोडियम लगा होगा साइड पे, एक कॉम्प्लेक्स होगा AlOH टेट्रा का और साथ में Na लिखोगे आप, ये पूरा कोऑर्डिनेशन से फिर बनता है। हाँ कुछ नहीं करते, टेंथ में आप केमिस्ट्री का सी भी नहीं सीख रहे है ही नहीं है केमिस्ट्री, है ही नहीं केमिस्ट्री, स्टार्ट ही 11th में होती है बेटे। बेटे सिखाओ, ऑल द स्टूडेंट्स आर नॉट देयर आर मेडिकल और नॉन मेडिकल, कॉमर्स वाले भी बैठते हैं, अभी ह्यूमैनिटीज वाले भी बैठते हैं, तो उतना ही बोला जाता है जितना सब स्टूडेंट के दिमाग में गए, एक्स्ट्रा नहीं। क्वाइट बेटे। सो हमें क्या अभी तक सीखा कि मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके क्या बनाता है ऑक्साइड्स। कुछ ऑक्साइड बेसिक होती हैं, कुछ ऑक्साइड एम्फोटेरिक, मतलब मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड आर बेसिक। अच्छा अब जो बेसिक ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, वो वाटर में सॉल्युबल भी हैं कहीं, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है, इनको कहते हैं एल्कलीज। जो बेसिस वाटर में सॉल्युबल हैं, दीज आर नोन एज एल्कली। जैसे कॉपक्यूपरस ऑक्साइड की बात करूं, दैट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, दैट इज नॉट अ अल्कली, दैट इज बस बेस, ठीक। जो चीजें जो बेसिस वाटर में सॉल्युबल हो जाती हैं बेटे, उनको कहा जाता है अल्कली। सारे बेस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, ठीक है, तो ये देखो तभी ये अल्कली मेटल्स हैं। तो जनरली इनकी सारी की ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल है। जो फर्स्ट ग्रुप है दे आर कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स, देन दे आर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, सेकेंड ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक। विल डू स्लोली स्लोली। नाउ द रिएक्शन इज विद वाटर बेटे। अच्छा वन थिंग इज एनोडाइजिंग, राइट डाउन एनोडाइजिंग। एनोड की स्पेलिंग क्या होते हैं, Z-I-N-G, ठीक है। अब ध्यान से समझो ये बात, अभी पहले भी समझो इसको। हमने कभी एल्युमिनियम फॉयल देखी है घर पे, तो हमने देखा एक ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है, दैट इज एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। वो एल्युमिनियम ऑक्साइड एक इनर्ट लेयर है जो फर्दर एल्युमिनियम को क्रोड होने से बचाती है। जो ऑक्सीजन की लेयर बन रही है बेटे, That is a inert layer जो further corrosion से हमारे aluminium को बचाती है। जैसे कि iron की जब rusting होती है, corrosion होती है, तो जो उसकी layer है वो inert नहीं है, वो टूटती रहती है और further iron corrode होता रहता है, मगर aluminium के ऊपर एक layer बन जाती है जो further बचाती है। अब हम क्या करते हैं कि हम जबरदस्ती aluminium के ऊपर oxide की layer चढ़ाते हैं, उस process को कहा जाता है anodizing, ठीक है। अब इसको एनोडाइजिंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम एनोड पे ली जाती है, ठीक है।
अब जब आप वाटर की हाइड्रोलिसिस करवाओगे, ध्यान से समझो, यू हैव वाटर, वाटर की हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो वाटर का नेगेटिव कंपोनेंट क्या है, ऑक्साइड। वाटर का नेगेटिव कंपोनेंट क्या है, ऑक्साइड। ऑक्साइड मींस ये क्या हो गया, एनायन। एनायन कहाँ जाएगा, एनोड की तरफ, ठीक है। और एनोड पे क्या पड़ी है, एल्यूमिनियम, तो वहां जाके ये एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा, तो एल्युमिनियम के ऊपर लेयर आ जाएगी जिसको कहेंगे ऑक्साइड की लेयर आ जाएगी। वो हमने खुद करना है। क्यों हम एनोडाइजिंग का प्रोसेस करते हैं, क्योंकि वी वांट इनर्ट लेयर ओवर द एल्युमिनियम, ठीक है। सो जनरली पहले पूछा था व्हाट इज एनोडाइजिंग, हाउ इट इज डन, अब तो एमसीक्यू है तो आपको सिर्फ यही पूछा जा सकता है कि एनोडाइजिंग पे आप मेटल कौन सा लेते हो, एनोडाइजिंग पे मेटल कहाँ पे प्रेजेंट है, कैथोड पे, एनोड पे, ऑक्सीजन कहाँ जाती है, एनोड पे, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब कंप्लीट प्रोसेस तो कोई पूछने नहीं वाला आपसे, तो बी प्रिपेयर बेटे। इनर्ट का मतलब होता है जो ऑक्साइड रिएक्टिव नहीं है फर्दर किसी से, दैट इज इनर्ट। इनर्ट इसलिए की जाती है कि हमारा जो मेटल है फर्दर खराब होने से बचाया जा सके, अदरवाइज हमारा मेटल खराब होते जाएंगे। अगर मेरे पास एल्युमिनियम का ब्लॉक है तो वो खराब हो जाएगा खुद ही, तो खुद ही लेयर बनाई जाती है कि आर्टिकल्स को सेव करके रखा जाए, ठीक। अब नेक्स्ट आपकी है रिएक्शन विद वाटर, राइट डाउन रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। तो अगेन जैसे कि सारे मेटल हर एक ऑक्सीजन के साथ अपनी मर्जी से नहीं रिएक्ट करते, कुछ रिएक्टिव हैं ज्यादा कुछ कम रिएक्टिव हैं, वैसे ही वाटर के साथ ये हैं कि कुछ कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर जाते हैं, कुछ रूम टेम्परेचर पे वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ को आपने गर्म करना पड़ता है तब रिएक्ट करते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। नाउ सेकेंड, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। कोई बात नहीं, एक मिनट रह गया। नहीं करते हम कौन सा इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, हम कोई इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, फिर सोडियम और पोटेशियम जैसे मेटल जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है बेटे, ये कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर जाते हैं। वाटर के साथ रिएक्ट करके कोरस्पोंडेंस हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। बस नहीं है बेटे, दो लेक्चर रह गए एंड देन योर सिलेबस हैज टू बी फिनिश्ड एंड दिस पर्टिकुलर पीरियोडिक टेस्ट यू विल बी हैविंग कंप्लीट सिलेबस एज दीज आर मियर प्री बोर्ड्स। नेक्स्ट इज बेटे रिएक्शन ऑफ द मेटल लाइक कैल्शियम। कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर एट रूम टेम्परेचर। एंड दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फ्लोट्स ऑन द वॉटर। बिकॉज जो बबल्स होते हैं हाइड्रोजन गैस के उसके ऊपर लग जाते हैं, फिर वो फ्लोट होता है। वेरी गुड,